सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी इन वन वर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल ड्रग्स के बारे में। तो अभी हमने हमारी सीरीज़ में जो हमारे फार्मास्यूटिकल एडवांस फार्मास्यूटिकल की जो सीरीज़ चल रही है उसमें अभी तक हमने ड्रग के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ ड्रग। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल ड्रग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अब हम केमिकल ड्रग्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल ड्रग्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऑर्गेनिक या केमिकल सिंथेसिस होता है इनका। जनरली इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी लो होता है, तो लो मॉलिकुलर वेट, साथ में ये नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, किसी भी तरीके का इनका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल या ऑर्गेनिक से सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। साथ में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होने के साथ एक केमिकल फॉर्मूलाइज होते होंगे, या केमिकल फॉर्मुलेशन के साथ साथ ही ये काफ़ी स्टेबल भी होते हैं। ये वेल कैरेक्टराइज होते हैं और इनकी जो एक्सट्रैक्शन, इनिशिएशन, आउटपुट, इनपुट की जो प्रोसेस होती है काफ़ी क्रिटिकल या बहुत कम स्टेप्स होती है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड या सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड के। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल ड्रग्स।